ओम शांति। 23 सितंबर 2022। परमात्म शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता में सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, केवल बाहरी खान पान सात्विक बना लेने से हम सात्विक नहीं हो जाएंगे और ना ही सात्विक अन्न से हमारा भोजन सात्विक बनेगा, क्योंकि जैसे कहते भी हैं कि अन्न का प्रभाव तन पर पड़ता है, तो इस अन्न पर सर्वप्रथम हमारे मन का प्रभाव पड़ता है। मन का भोजन है हमारे संकल्प अर्थात हमारे विचार। तो जब तक हमारे मन में, हमारी सोच में सात्विकता नहीं आती, हमारे मन में निस्वार्थ प्रेम की भावना, स्वयं एवं सर्व के लिए शुभ और शुद्ध भावना नहीं होगी, तब तक हम चाहे सालों से ही सात्विक अन्न ग्रहण क्यों ना कर रहे हों, पर हम पवित्र सात्विक नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि मन का प्रभाव ही हमारे तन और अन्न पर पड़ता है। तो सात्विक बनने के लिए सबसे पहले हमारे मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। जिसका दिल सच्चा होता है उसका बेहद में चले जाता है दिल। भगवान को भी सत्य बोलते हैं अर्थात वो बेहद में है। तो सच्चा दिल भी बेहद में होता है अर्थात लिमिटलेस अनंत विशाल होता है, वो हद में नहीं होता। और जिसका दिल बड़ा होता है तो उसके साथ प्रॉस्पेरिटी भी उसकी बहुत बड़ी होती है अर्थात बड़े दिल वालों के यहाँ बरकत होती है, इसलिए तभी तो कार्य भी बड़े कर सकता है। परमात्मा पिता हर तरफ से बड़े दिल वाले को भरपूर रखता है। जैसे कहा भी जाता है कि शिव बाबा का भंडारा कभी भी खाली नहीं होता, तो सदा भरपूर ही रहता है, क्योंकि तो भगवान को भी दिल वाला कहा जाता है, दिमाग वाला नहीं, और वो राजी भी दिल वाले पर ही होता है। शिव बाबा ने हमें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की शिक्षा दी है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम फोकस करें अपने लौकिक परिवारजनों को कि वो भी जैसे हम चलते हैं ज्ञान मार्ग पर वो भी चलें। वास्तव में लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का अर्थ है कि हम अपनी लौकिक सोच में अलौकिकता को लाएं, अर्थात मोह की जगह निस्वार्थ प्रेम को लाएं, लोभ की जगह संतुष्टता को, अहंकार की जगह समर्पण को लाएं। बाबा कहते हैं, परमात्मा प्रति निश्चय जो है यही हमारी निश्चिंत स्थिति करता है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो चिंता लेकर आता है, क्योंकि जितना हम सोचेंगे आगे का उतनी चिंता रहेगी, और जब पास्ट का सोचते हैं तो कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, और फ्यूचर का सोचते हैं तो यहाँ तो इच्छाएं जागृत होती हैं या चिंता आती है। तो इसलिए परमात्मा शिव हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में रहकर ही हम निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं, और यह निश्चय कि भगवान है मेरे साथ प्रेजेंट में, तो यह निश्चय हमें भीतर से निश्चिंत करता है। दिल वाले की अंदर की आँख खुलती है, बाहर की आँख उसकी बंद होती है। बाहर का काम तो बाहर की आँख ही करता है और खुद का परिवर्तन वो अंदर की आँख से करता है। समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।